अतीक का तीसरे नंबर का बेटा था असद। 24 फरवरी शुक्रवार का दिन स्पॉट प्रयागराज, असद ने अपनी गैंग के साथ दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी। असद की काली करतूत के सीसीटीवी फुटेज रिलीज हुए हैं। उमेश पाल के ब्रूटल मर्डर के बाद असद गैंग साथ फरार हो चुका था। असद की इसी करतूत से उसकी मंगेतर मनसा और ससुराल वाले सबसे ज्यादा खौफजदा थे। दावा है कि असद की जान बचाने के लिए तंत्र मंत्र और टूना टोटका तक किया गया। तंत्र मंत्र के लिए ठिकाना चुना गया मेरठ का भवानी नगर। मेरठ के भवानी नगर में ही इसी साल असद की शादी मनसा से होने वाली थी। मनसा अतीक के बहनोई अखलाक और बहन नूरी की बेटी है। सूत्रों के माने तो एनकाउंटर से बचाने के लिए अखलाक के घर तांत्रिक ने मंत्र फूके थे। दावा है कि 18 घंटे असद अखलाक के घर रहा। अखलाक के घर में घंटों तांत्रिक प्रक्रिया हुई। असद को बचाने के लिए बकरे की कुर्बानी तक की गई थी। कुर्बानी के बाद बकरे के गोश्त गरीबों में बांटा गया। असद के लिए ससुराल में झाड़फूंक हुई, बकरे की बलि तक दी गई, लेकिन असद को ये पाखंड बचा नहीं पाया। 13 अप्रैल को झांसी में असद और शूटर गुलाम को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद एसटीएफ ने अखलाक फैमिली पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। दावा है कि फरारी के दौरान असद और गुड्डू मुस्लिम ने मेरठ में अखलाक के घर पर ही पनाह ली थी। दावा तो ये भी है कि असद अपने होने वाले ससुराल से मोटी रकम भी लेकर गया था, जिससे असद और गुड्डू फरारी काट रहे थे। लेकिन अखलाक के घर में जब तक असद रहा तब तक तंत्र क्रियाएं होती रही। टोने टोटके के बूते असद को एसटीएफ की गोली से बचाने की दुआएं तक की गई थी, लेकिन सब बेनतीजा रहा। असद तो मारा गया लेकिन गुड्डू मुस्लिम अब भी फरार है।